अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हैं आप सब लोग आज की इस वीडियो का पर्पस है कि हमने वर्डप्रेस के अंदर इंडेक्स स्किल्स में से किसी एक स्किल को सेलेक्ट करना था मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि आने वाला जो आपके लिए कंटेंट है वो बहुत अच्छा और वो तगड़ा होने जा रहा है तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किस तरह करेंगे ठीक है फिर देखेंगे कि हम उसको फाइवर के ऊपर जाके किस तरह सेल कर सकते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्लाइंट क्या चीज प्रोवाइड करता है और आपने क्या करके देना होता है क्लाइंट को ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप लोगों ने इसको एंड तक थ्रू जरूर देखना है तो शुरू करते हैं आपको जरूरत पड़ेगी एक इस वेबसाइट की गूगल पे स्पीड की एक इस वेबसाइट की जो कि मैंने अभी टेस्ट की है कि जिस साइड को हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं वो फिफ्टी परसेंट परफॉर्मेंस पे है दरअसल ये मेरी अपनी वेबसाइट है ठीक है और मैंने अभी इससे सेटिंग्स हटाई हैं पहले मैंने इससे यही सोचा था कि वीडियो छोटी बनाता हूँ आपको सिर्फ सेटिंग्स दिखा दूंगा लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको खुद सारा दोबारा करके दिखाऊं कि आप किस तरह इस चीज को लेके चल सकते हैं तो करना है कि आपने सबसे पहले जो भी वेबसाइट है ना उस वेब, वेबसाइट का आपको मिलेगा एक्सेस वर्ल्ड प्रेस की वेबसाइट का एक्सेस क्या मिलेगा वो आपको लिंक भेजेगा ये वाला लॉग इन लिंक आपका क्लाइंट तो साथ में उसका यूजर नेम और पासवर्ड भेजेगा जब आप वो लगा लोगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा ठीक है आपने कुछ नहीं करना सबसे पहले आपने ले लेना है बैकअप बैकअप आप अगर वर्ल्ड प्रेस के डेवलपर डिजाइनर है तो आपको जरूर पता होगा कि बैकअप क्या चीज है बैकअप में आप वेबसाइट के अंदर जाके कोई प्लग इन एड करते हैं डुप्लीकेटर का ठीक है फिल वक्त मैंने यहाँ पे कोई नहीं रखा हुआ ठीक है तो क्योंकि मेरे पास इसका बैकअप पड़ा हुआ है प्लग इन लेना है आपने जाके डुप्लीकेटर का ले लें ले या ऑल इन वन ले लें ठीक है उस प्लग को आपने कर लेना इंस्टॉल ठीक है यहाँ से आना है आपने एड न्यू करना है प्लग प्लगइन को ऐड प्लग करने के बाद आप फिल वक्त मैं लिख सकता हूँ ऑल इन वन ऑल इन वन यहाँ पे मैंने सर्च किया जैसे मैंने उसे सर्च किया तो माइग्रेशन इसको। इसको इसको की एक कॉपी सेव कर लेनी अपने पास। दफा ये होता है कि जब आप किसी की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे होते उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहे होते हो उसकी लोड स्पीड को ज्यादा कर, उसकी लोड स्पीड जो लोडिंग स्पीड के कितने टाइम में वो ओपन होती है उसको कम कर रहे होते हो ठीक है तो उस चीज को आप करते करते समाइम आपकी वेबसाइट जो है ब्रेक हो जाती है तो इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं पहले से ही वेबसाइट को थोड़ा सेव मोड पे लेके चलते हैं सेव कर लेते हैं मैंने जैसे ही इस चीज को इंस्टॉल किया है तो मेरे पास एक साइड बार में ऑप्शन आ गया ऑल इन वन माइग्रेशन ठीक है तो मैं क्या करता हूँ मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ कि मुझे इसको निकालना है एक्सपोर्ट का मतलब कि मैंने निकालना है वेबसाइट को तो जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा एक्सपोर्ट टू फाइल करेंगे ना तो वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा और सिंगल फाइल आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगी फिर आप क्या करेंगे जब आपने अगर आपकी इन केस वेबसाइट ब्रेक हो जाती है खराब हो जाती है आपका काम करते हुए तो आप क्या करेंगे नया फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे जो वो फाइल है वो जो इंस्टॉल की हुई है आपने उसको वापस आके फिर आपने ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है और उसके अंदर आपने दोबारा से क्या करना है उस टाइम आपने इम्पोर्ट करना है और इम्पोर्ट क्या करना है फाइल को यहाँ पे फिर इम्पोर्ट टू आएगा इम्पोर्ट फ्रॉम आएगा इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल तो ये भी एक छोटी सी स्किल्स है जिसको आप फाइबर के ऊपर क्या कर सकते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है फाइबर को मैं ओपन कर लेता हूँ साथ साथ आपको बताता जाता हूँ कि कौन कौन से स्किल्स जो हैं इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे ठीक वर्ल्ड ठीक है वेबसाइट माइग्रेशन ठीक है वर्ल्ड प्रेस के अंदर ये स्किल्स है इसमें चौदह हजार लोग हैं अगर आप अच्छा कीवर्ड टारगेट करेंगे मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता दिया हुआ है कि आप किस तरह अच्छा कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं बार बार एक चीज को नहीं बताया जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी वीडियो ओपन करके जिसमें मैंने सुजेशन दी हुई है लो टारगेटिंग गिग्स कौन सी हैं आप उनको किस तरह टारगेट कर सकते हैं और अपना एक यूनिक कीवर्ड बना के आप अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं तो देखें ये लोग सिर्फ इतने के काम के लिए देखें कितने हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे ऑर्डर ले रहे हैं बेस्ट सेलर है और चौदह हजार लोग पूरी दुनिया से इस पे काम कर रहे हैं तो पहली गिक तो हो गई ये जब आप वर्ल्ड पर सेटअप करोगे आपको बैकअप लेके सेंड करना पड़ेगा वो सारा एक प्रॉपर टास्क होता है तो स्टार्ट हो गया ये जब आपने बैकअप ले लिया उसके बाद बारी आती है आपने क्या करना है इसको टेस्ट कर लेना जैसे कि अभी मैंने टेस्ट किया है ये वे, वेबसाइट का नाम है जी टी मैट्रिक्स क्या नाम है जी टी मैट्रिक्स आप गूगल पे आके सर्च करेंगे ना जी टी मैट्रिक्स मैट्रिक्स स्पीड स्पीड टेस्ट टेस्ट एक दफा उसकी टेस्ट कर लेनी और क्लाइंट को बता देना कि ये देखें आपकी अभी की ये कंडीशन है ई e ग्रेड मिल रहा है ये स्पीड है तो ताकि उसे पता हो कि एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या थी और उसके आपने जो काम किया उसके बाद क्या कंडीशन थी

वेबसाइट को आपके सामने मैंने उसकी सेटिंग उड़ाई है प्रॉपर अच्छी बली ना बनी हुई थी सिर्फ आपकी वीडियो के लिए मैंने उसकी ना परफॉर्मेंस की सेटिंग हटाई है ताकि मैं दोबारा आपके सामने करूं तो इसलिए मुझे पता है मुझे थोड़े मसले आने वाले हैं इसके अंदर तो और मैं यहाँ पे करता हूँ गूगल पेज स्पीड यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ शायद वहाँ मसला कर रहा है इसीलिए फिर पोस्ट करता हूँ एनालाइज करता हूँ अगर डाटा नहीं आता तो हम अपना काम शुरू करेंगे क्योंकि सम टाइम ये भी पंगे कर रहा होता है ठीक है नहीं उसने शुरू कर दिया काम करना तो इसने टेस्ट किया जैसे ही वो टेस्ट करेगा वो हमें बता देगा कि आपकी मोबाइल पे ये स्कोर है लैपटॉप पे ये स्कोर है अभी अभी मैंने एक और वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली वेबसाइट है ठीक है इसको मैंने ऑप्टिमाइज किया है और ये अच्छी बली है अब देखें इसकी ओपनिंग स्पीड देखिएगा आप इसको रिफ्रेश करता हूँ जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया ये देखिए पूरी वेबसाइट ही आपके सामने ओपन पड़ी हुई है ठीक है यहाँ पे एक बड़ा स्लाइडर है वो थोड़ा टाइम ले रहा है वो भी लेजी लोडिंग एनेबल करेंगे तो वो भी एनेबल हो जाएगा तो इसको भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ऑप्टिमाइज़ किया क्योंकि समटाइम क्लाइंट्स की जो प्राइवेसी होती है वो भी हमने मेंटेन करनी होती है इसलिए मैंने अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा देखिए अभी परफॉर्मेंस 90% परसेंट है इसकी मोबाइल पे और डेस्कटॉप पर वो तो दिखा ही नहीं रहा क्या है इशू आ रहा है थोड़ा सा आपका चले शुरू करते हैं इसके लिए आपको चाहिए होगी एक प्लग इन रॉकेट की

उसी वेबसाइट की जिसपे हम काम कर रहे थे एड न्यू करेंगे ठीक है और एक और चीज आपकी आसानी के लिए यहाँ पे देखते हैं बेस्ट वर्डप्रेस नहीं रॉकेट कुछ नहीं करना आपने याद करने की कोशिश भी नखने, नखने नहीं रखनी रॉकेट सेटिंग सिर्फ ये सर्च कर लेना आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने अच्छी अच्छी सेटिंग से बताई होंगी तो मैं ना इसको ओपन कर लेता हूँ दईडियल डब्ल्यू पी रॉकेट की सेटिंग को ओपन कर लेता हूं ठीक है अब हमें क्या पता चल गया एक साइड पे हमने एक छोटी सी गाइड ओपन कर ली ताकि हमसे कोई गलती ना हो और एक साइड पे हम प्लगइन को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं अपलोड के बटन पे क्लिक किया चूज किया और मैंने अपने सिस्टम के अंदर से जाके उस प्लगइन को सेलेक्ट किया और ओपन कर लिया जैसे मैंने ओपन किया वो इंस्टॉल करने पे क्लिक कर दिया मैंने ठीक है अब हमने करना क्या है सिर्फ चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है बारी बारी और साथ साथ आप साथ साथ चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं नहीं चेक करने वाला मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी काम करूं जब आप लोग ये काम करने बैठेंगे आपको वाकई पता चलेगा कि यह कितना देर टाइम लेता है ये जो ये जो टास्क मैं करूं कितना टाइम लेता है तो फिर अब आप, आपको इस चीज का कंसर्न पता चल जाएगा मैं क्यों बार बार टाइम को मैंशन कर रहा हूँ ठीक है तो मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया जैसे ही मैं एक्टिवेट करूंगा मुझे ऊपर भी इसके साथ एक हैंडल मिल जाएगा इसको सेटअप करने के लिए और नीचे भी सेटिंग्स के अंदर मुझे डब्ल्यू पी रॉकेट मिल जाएगी ये देखिए ना इधर से भी आप सेटिंग में जा सकते हैं और इधर से भी सेटिंग्स में जा सकते हैं ठीक है प्लगइन्स के अंदर और अगर आपको इधर से इधर से नहीं मिल रही है तो आप सेटिंग्स के अंदर जाकर डब्ल्यू पी रॉकेट की सेटिंग में जा सकते हैं जैसे मैं इसको ओपन किया अब मैं इसको ट्राई करता हूँ सेटअप करने की आपने करना क्या है ठीक है करना आपने ये है आपने इसको फॉलो कर लेना है कुछ याद ना रखें समटाइम्स जो है ना हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है तो भाई जहां से कुछ अच्छा मिल रहा हो ना तो वहां से लेने से परेजना किया करें सीख लिया करें चुप करके साथ नीचे करके तो हमने क्या करना स्टेप बाई शुरू करना उसने सबसे पहले बोला कि आप डैशबोर्ड को छोड़ दें ऐसे ही आपको एनालिटिक्स ऑन करने की जरूरत नहीं कैशे वाले सेक्शन में आ जाए दूसरे मैंने डैशबोर्ड छोड़ दिया कैशे के सेक्शन को ओपन किया जैसे मैंने कैशे के सेक्शन को ओपन किया तो मैंने क्या करना है सेपरेट मोबाइल सेपरेट के सिंबल ठीक है वो लोग क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था तो कुछ उसकी वजह से ना सिलेक्टेड है ये देखिए मैंने इनेबल किया हुआ है और इस पे भी इनेबल करना है नहीं इसको नहीं इनेबल करना हमने तो उसने बाय डिफॉल्ट क्योंकि मैंने एएमपी वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है अपनी वेबसाइट का और वो मुझे कह रहा है कि वो डिटेक्ट ही uh you as a plugin that requires separate cache for mobile automatically enable with the compatibility ये इसलिए इनेबल हो चुका हुआ है क्योंकि मैंने मोबाइल के अलगदा वर्जन बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट का तो इसको हटा के क्योंकि उसने एलो ही नहीं किया तो हम उसकी ही बात मान लेते हैं और नीचे हम ऑर्स लिख लेते हैं 24 आवर कैश का जो ना लाइफ टाइम रखें और सेव कर देते हैं ठीक है अब उसके बाद दूसरे सेक्शन में जाना है हमने फाइल ऑप्टिमाइजेशन वाले सेक्शन में जिसमें हमने मिनिफाई करना है फाइलों को ये सबसे क्रिटिकल सेक्शन होता है इसको आपने एक एक टिक के साथ चेक करना है ठीक है आपने एक एक टिक के साथ चेक करना है क्यों क्योंकि इसके अंदर आपकी फाइल मे, वेबसाइट मेक भी हो सकती है ब्रेक भी हो सकती है इस पे क्या करेगा वो जितनी सीएसएस की फाइलें होंगी ना देखे ना वो अलर्ट भी दे रहा है दिस कुड बी ब्रेक थिंग्स ठीक है जितनी आपकी फाइलें होंगी वेबसाइट्स की जो कि स्कैटर्ड होंगी कस्टम सीएसएस होगी उनको सम अप कर देगा एक ही फाइल में तो ताकि वो जल्दी लोड हो ठीक है जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया मैं फिर जाता हूँ उसने बोला सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना नहीं किया मैंने ऑप्टिमाइज सी डिलीवरी सिलेक्ट होगा ठीक है होगा सिलेक्ट तो मैंने इसको कर दिया एक्टिवेट और उसके बाद सेम एज इट इज अगर आपने इस चीज से नहीं देखना कि मेरी तो ये चीज अपीयर नहीं हो रही ये अपीयर नहीं हो रही आपकी अगर वेबसाइट के अंदर ये बने होंगे ना ये चीजें बनी होंगी तो वो ऑटोमेटिकली इधर ऐड हो जाएगी वरना एक तो मस्ट ऐड हो जाएगी लाइन ठीक है सेम एज इट इज आपने फिर क्या करना है मिनिफाइड जावा कर देना है वो भी हो गया आपने इसको चेक करना है एक एक क्लिक के बाद मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं बार बार चेक करूंगा तो मेरा टाइम लगेगा आपने इसको क्लिक करना है सेव करना है और रिफ्रेश करके चेक करना है कि वेबसाइट चल रही है तो क्या होगा चल तो रही होगी लेकिन क्या होगा थोड़ा स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाता है चीजों का ठीक है मैं इसको ओपन वैसे कर लेता हूँ आपके सामने अपनी वेबसाइट को देखिए टाइम ले रही है अभी वो क्योंकि मैंने अभी सेव इन की देखिए लोड नहीं हो रही तस्वीरें इस तरह तो क्या होता है यहाँ तो कलर इसके चले जाते हैं किसी तरीके से यहाँ इसकी सी उड़ जाती है ये होता है इसके इसके बाद बाद हमने हमने क्या करना है? इसके बाद हमने करना है है लोड जावा डेफर्ड उसको चेक कर लेना है उसको भी चेक कर लिया उसके बाद हमारी बारी डिले जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन को चेक करना है ठीक है तो वो भी चेक करके हमने कर लिया इसको सेव जैसे हमने मिनिफिकेशन कंप्लीट कर ली नेक्स्ट स्टेप है हमारा सी एस एस हो गया ऑप्टिमाइज कंटेंट डिलीवरी हो गई हमने कर ली ये बस वो समझा रहा है कि ये ये चीजें इसको ऑप्टिमाइज करके वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बना देगा सी डी एन जिसको कहते हैं और उसके साथ उसने बोले मीडिया सेक्शन में आ जाएं और एनेबल करें इमेज के लिए ठीक है अब ये इमेज को कंप्रेस नहीं करता ले तो कर देता है या इसको लेजी लोडिंग करता है कि जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज को लोड करता था जो जो चीज स्क्रीन के ऊपर आती है ना आपकी सिर्फ उसको लोड करने के फीचर को ये लेजी लोडिंग कहते हैं फॉर फॉर इमेज आई फ्रेम ठीक है रिप्लेस यूट्यूब आई फ्रेम विद प्रीव्यू इमेज के वो पॉसिबल चीजें उनको रिप्लेसिंग कर रहा है कि जो उसके अल्टरनेटिव है और लाइट वेट ऑप्शन है ठीक है तो जिन जिन चीजों की आपको इसमें समझ नहीं आती सिंपल एक कमेंट छोड़ दे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अगर मुझे लगेगा कि उसके ऊपर आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन करना बड़े जरूर करूंगा लेकिन अभी आप इन को ठीक है।, और उसके हैं, हैं, तो उसने कर दी है इन भाई साहब के पास ज्यादा इमेजेस है तो उसके पास देखे ना अब आपने इन चीजों से आके कन्फ्यूजन होने क्योंकि मुझे पता है जब मैं भी सीख रहा था इस टाइम पे तो मुझे ये चीजें कन्फ्यूज करती थी ठीक है तो आपने इन चीजों से कन्फ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो इतनी लाइनें आ रही हैं ये चीजें लिखी हुई इतने लिंक्स आ रहे हैं हमारे पास आ नहीं रहे आपने सिर्फ अपने इन चीजों को लेके फॉलो करना है और सेव चेंज पे क्लिक कर देना है इसके बाद सेक्शन आ जाता है प्रीलोड का ठीक है प्रीलोडिंग में कौन-कौन से आपने फीचर को ऑन करना है तो जैसे ही आप प्रीलोड के सेक्शन में आते हैं एक्टिव रीलोडिंग कर लें ठीक है

हम इन्हीं को यूज करके फिल आंस के प्रोजेक्ट करते हैं अगर हमें कोई क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता बाद दफा तो क्लाइंट खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें प्लगिन ले देता हूँ किसी और प्लगिन को यूज ना करना तो वो हम कहते हैं चलिए ठीक है आप अपनी प्लगिन ले दे तो हम आपको उसी को यूज करके कर देते हैं प्रीलोड के सेक्शन में आ जाते हैं हमने एक्टिवेट करनी है प्रीलोडिंग ठीक है एनेबल प्रीलोडिंग लिंक ठीक है देखिए प्रीलोडिंग एक्टिव साइड पे स्कैश ये हो गया ये हो गया मेरे पास वो ऑप्शन नहीं थी तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है सेव चेंज कर दिया है। ठीक है अगर आप की वेबसाइट के एग्जाम तो वो उसको अनेबल कर देगा वरना ऑलरेडी सेव हुआ होगा मैंने सेव किया उसको प्रीलोडिंग को टाइम ले रहा है टाइम ले रहा है ठीक है फिर नेक्स्ट सेक्शन आ गया हमारा इसके बाद प्रीलोडिंग के के बाद नेक्स्ट सेशन आ गया हमारा ठीक हो, 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 है ये उसी के अंदर आ जाएगा नेक्स्ट सेशन हमारा एडवांस रूल्स में क्या करना है एडवांस रूल्स में आई थिंक कुछ भी नहीं है जो कि हमने सेटिंग्स को सेट करने के लिए जरूरत हो डेटाबेस में चले जाते हैं डेटाबेस में आएगा डेटाबेस कहना है कि ट्रैश बेस को खत्म कर देना स्पैम कमेंट खत्म कर देना ट्रैश कमेंट्स खत्म कर देना ठीक है यही चीजें आई थिंक ट्रैश पोस्ट्स हैं देखिए मैंने मुझे ये कर कर के याद हुआ हुआ है ठीक है मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ और आपकी आपको एक चीज में गाइड करूँ कि आपने बार बार ऐसे करना है अपनी तसली के लिए चेक कर लेना बार बार इसको ठीक है तो उसके बाद आपने आपनेट और ऑप्टिमाइज टेबल ठीक है और ट्रांजेंट को कर लेना देखेंगे 7846 ट्रांजेंट डेटाबेस में पड़े हुए थे थी, ठीक है वो डाटा दे ट्रांजेंट टेंपरेरी ऑप्शन दैट सेव रिमूव्स विल बी ऑटोमेटिकली रीजनरेट टू तो ऑप्शन प्लगिंग देम ठीक है ऑप्टिमाइज टेबल्स और इसको रहने देना आपने दे क्योंकि ये डेटाबेस का क्लीन है और ये अगर आपको करना है तो आप डेटाबेस का बैकअप ले, ले पहले जैसे कि वेबसाइट का बैकअप ले लें जैसे हमने स्टार्ट में बोल दिया था अगर आपके पास बैकअप है तो आप यहाँ पे ट्राई वगैरह मार सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसको शेड्यूल करने के लिए ना आपके पास एक चली चलाई वेबसाइट पड़ी होनी चाहिए पहले ही तो आपको पता चल जाएगा डाटाबेस क्लीन अप आप में या तो पोस्ट गायब हो जाती हैं या कमेंट्स गायब हो जाते हैं या कोई फाइल गायब हो जाए तो मसला होना शुरू हो जाता है तो ये बहुत ना क्रिटिकल काम है डब्ल्यू पी रॉकेट का सेट का सेटअप करने इसको आपने प्रैक्टिस करना पहले एक दो तो बार अपनी वेबसाइट बना के छोटी छोटी वेबसाइट बना के जब आपको लगेगा कि आप लोग ये कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा देखिए ये सब कुछ उसने थ्योरी में बताया हुआ है जो इमेज में दिखाया हुआ है ठीक है तो इसके बाद आपने करना क्या है वो कह रहा है कि आपको एक इमेज ऑप्टिमाइजर की ज़रूरत है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आ जाता है ठीक है वो कह रहा है अगर आपने चेक करना है तो ये पैसों के कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का लिंक मिलता है यहाँ से अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो उससे लेना चाहते हैं उससे लेकर ऐड कर लें ताकि आपको एक बजाय ज़्यादा फाइलें यूज़ करने के सी की जे की पहले से कुछ न ने सी नेम रिकॉर्ड्स होते हैं इनके पास उनकी उन्होंने फ़ाइलें बना के रखी होती हैं जो कि यूज़ हो जाती हैं और फास्ट होती हैं तो वो पैसों की मिलती है ये देखें ना उन्होंने बताया होगा यहाँ पे नीचे देखें कि आपने अगर बाय करना है बनी सी डी एन है वो मिल मिल जाते हैं अगर आपने वहां पर जाकर सीडीएन बनाए कॉपी पेस्ट करें उसे ला के इसके अंदर ठीक है प्रोमो कोड उसने अपना दिया हुआ है और ला के उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप तो सी डी एन को हमने छोड़ देना अभी के लिए अगर आपको बहुत देखिए जिस तरह हम ये कुछ चीजें छोड़े हैं ना इस तरह हमारी ना परफॉर्मेंस हंड्रेड परसेंट नहीं होगी मैं एक चीज आपको बताता हूं अगर आपका क्लाइंट बहुत इन्फोर्स करता है यार ये होना चाहिए ये भी होना चाहिए मेरी हंड्रेड परसेंट चाहिए तो आपने इनको मीट करना है आपने उससे बोलना मेरे ये यानी कि इसकी बिलिंग भी दे इस चीज को भी आप जो ट्रॉलेटर नहीं कर सकते कि अगर वो आप को इन्फोर्स करे तो आप उसको एक रीजन दो कि भाई इसके पैसे लग सकते हैं ये चीजें रिक्वायर्ड हैं तुमसे सेम एज इट इज बीट सेक्शन आ जाता है इसमें आपने इसको कर देना डिसेबल इसको कर देना अपने और इसको कर देना डिसेबल ठीक है के और इसको कंट्रोल बीट कर देना है सेफ चेंज कर देना सेम एज इट इज है जो इधर है ठीक है हा ये देखें जी यहाँ पे हो गया हार्ट बीट डिसेबल डिसेबल रिड्यूस एक्टिविटी कर दी मैंने ठीक है और इसके बाद आ, आगे एडोन्स आ जाती हैं और इमेज ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है ठीक है अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है तो सेव चेंज कर दिया मैंने मेरी ना कुछ होस्टिंग भी अभी स्लो है एक्सपायर होने वाली है तो वो भी मैंने चेंज करनी है इसलिए मैं ना कुछ दिन वेट कर रहा हूँ कि मैं पूरे कर ही लू इसके पैसे और उसके बाद में चेंज कर लूंगा ठीक है एक साल की होस्टिंग लेते हैं हर साल रीन्यू होनी पड़ती है होस्टिंग जिसके ऊपर वेबसाइट हमने पोस्ट की होती है अब ये हो गया हमारा हार्ट बीट हो गया एडोस पे चलते हैं एडोस में आप क्लाउड फेयर को ऑन कर सकते हैं क्लाउड फेयर क्या है एक आपके जो है ना प्रोवाइडर होता है नेम डोमेन को होस्ट करने का जिसमें आपके वो नेम सर्वर लेके यानी कि डोमेन प्रोवाइडर के नेम सर्वर को रिप्लेस कर देते हैं अपने नेम के सर्वर के साथ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पर्पस क्या है ठीक है अभी बता देते हैं आपको क्या आपको ठीक है आवर स्केलेबिलिटी इजी टू यूज इन यूनिफाई कंट्रोल प्लेन डिलीवर सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस गेट ना ये क्लाउड फेयर यूज करती है फाइबर है ट्विटर है फेसबुक है एपवर्क है इन लोगों ने डायरेक्टली अपनी जो डोमेन्स हैं पॉइंट नहीं की होती सर्वर्स पे इनके अंदर क्लाउड फेयर भी इन्वॉल्व होता है तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है इसलिए मैं आपको मैंने करना तो क्या करूंगा इसको ऑन करूंगा वो मॉडिफाई का ऑप्शन पूछेगा ठीक है मैं अपने अकाउंट की ए की लगाऊंगा क्लाउड फेयर के ऊपर अकाउंट बना के ठीक है ई मेल लगाऊंगा जोन आई डी लगा दूंगा यहाँ से को चेक करूंगा और सेव चेंज कर दूंगा ये चीज होनी है आप इसके बगैर भी जा सकते हैं लेकिन अगर आपकी साइट फिर भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है बिलो दी एवरेज है तो आपको क्लाउड फेयर को इन्वॉल्व करना कर सकते हैं उसको यानी कि अकाउंट बनाए वहां पे जाके और वहां पर आपको ग्लोबल की मिल जाएगी उसकी एपीआई आपने जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाया है और जोन की डी भी आपको मिल हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास इंस्टॉल कर ले तो कर लेते हैं मेरे ख्याल में, में मेरे पास पड़ा होगा इमेज ऑप्टी उ... ये खुद इमेज ऑप्टिमाइज नहीं करता ये आपकी एग्जिस्टिंग इमेज और नई आने वाली इमेजेस को ना Uh, उसमें कन्वर्ट कर देता है वेब के फॉर्मेट में जो डब्ल्यूबी रॉकेट है ना वेब के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है अब इमेजी फाइल में भी ना हमारा फ्री अकाउंट एक लिमिट तक लिमिट तक ही होता है ये एक पेड प्लगइन है ठीक है अभी मैंने एकदम से इसमें से सेटिंग रिमूव की है दोबारा सेटिंग कर रहा हूँ तो ना मेरी साइड पागल हो गई है कि कर क्या रहा है मेरे साथ वैसे मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो अभी अभी रिसेंटली किया ना उसकी स्पीड आपको चेक करवाते हैं ठीक है इसकी स्पीड आपको चेक करवाते हैं इसमें ये बिल्कुल नई वेबसाइट है अभी ये इसमें कुछ चीजें अभी ना ड्यू टू द एज ऑफ द वेबसाइट थोड़ी कमी बेशी है लेकिन

अलविदा बोल दी है देखिए आईडी है, ए की है, है, उसने सिर्फ ऑप्टिमल सेटिंग ऑन कर दी है, और मैं ना क्योंकि ये है, ये वो नेम सर्वर हैं, ये आपके डोमेन के नेम सर्वर ओरिजिनल होते हैं इनको रिमूव करके आपको जो है ना वो ये क्लाउड फेयर है ये अपने कॉपी करके ये दोनों एक ये फर्स्ट वाला इधर आएगा सेकंड वाला इधर आएगा और आपने सिर्फ सेव कर देना नेम चीव के अंदर ये देखिए ये नेम सर्वर ये आगे बहुत लंबा काम हो जाता है तो क्लाउड फेयर पे फिर किसी दिन आपको ना एक प्रॉपर एक वीडियो बना के मैं सिखा दूंगा कि आप किस तरह क्लाउड फेयर को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी कोर वेब वाइटल्स को बेहतर करने के लिए ठीक है यहाँ पे हमने क्या किया है? ये इसकी मोबाइल स्पीड आ रही है ये इसकी डेस्कटॉप स्पीड आ रही है ठीक है और आई थिंक कुछ करते हैं आई थिंक जब मैंने की थी तब सारे नाइनटीन टू नाइनटी थे तो ये थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है क्योंकि अब इसके ऊपर एडिटिंग का काम भी चल रहा है और ऊपर से ये जो है ना माशाल्लाह से बार बार एरर भी जनरेट कर रहे हैं मिजीफाई नहीं है भाई अभी हमारे पास क्लियर कैश की क्या करना चाह रहे हो डोटा पी की साइन अप कर लें दो भाई ठीक है मैंने ये कर लिया इसके साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी की साइट को सर्फ क्लाउड फेयर पे होस्ट भी कर सकते हैं मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें इसके अंदर की है क्लाउड फ्लेयर सेटअप क्लाउड फ्लेयर ऑन वेबसाइट ठीक है ये देखिए मैंने छोटी सी एक बात की है ना नौ सौ लोग जो है क्लाउड फ्लेयर सेटअप करके दे रहे हैं आपको वेबसाइट के ऊपर देखिए आप इतना इतने मैंने छोटे छोटे इसके अंदर काम किए हैं कि आपको पता भी नहीं कि आप सारे काम कर भी लेते हैं और आप उनको पता भी नहीं कि आप ऑफर कर सकते हैं इस सेम इसे ऑप्टिमाइज़ Website, images, ये जो मैं काम करने लगा हूं ये देखिए बावन हजार जो है ना लोग इसको इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं वर्ल्ड प्रेस इमेज इमेज ऑप्टिमाइजेशन इस वीडियो का परपज सिर्फ ये है आपको काम बताना और दिखाना कि वो सेल हो रहा है ये देखें कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं कि वेबसाइट की इमेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं बस जो अभी हम करने लगे हैं ये वाला अच्छा भाई ठीक है नहीं करो इसको कर वो इसको कर देता अभी से हाँ वो कह रहा है ऊपर अकाउंट है किधर है मेरा अकाउंट खैर यार इसने ना इसको करना है तो इसका अकाउंट बनाने चाहूंगा फिर मसला होगा ट्राई करेंगे सॉरी you खैर कोई भी साथ नहीं दे रहा इस टाइम हमारा तो चले ट्राई करते हैं इसके बगैर ही क्या कुछ परफॉर्मेंस आई है कुछ बेहतरी आई है कि नहीं आई देख लेते हैं पहले हमारे पास बीस में जाते हैं तो ये चीजें आपने सबसे जो मेन चीज है ना वो है आपकी होस्टिंग सर्वर मैं फार कह रहा हूँ ये चीजें होस्टिंग सर्वर आपका अच्छा होना चाहिए ठीक है आपके पास प्लग इन पेड होनी चाहिए नल्ड नहीं होनी चाहिए आपके पास जो है सी डी एन पेड होने चाहिए ठीक है मैंने सिर्फ आपको कुछ चीजें करके दिखाई है हंड्रेड परसेंट रिजल्ट नहीं आने वाला लेकिन मैंने सिर्फ आपको सिखाया है और आपने हमेशा ये क्लाइंट से कमिट नहीं करना कि मैं इसको 100 परसेंट लेके जाऊंगा देखें ये 20 था 79 हो गया 96, 92, 91। इसको मैं अगर लेके जाता हूँ तो माशाल्लाह से देखें और अगर मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ तो अल्लाह कर वेबसाइट भी ओपन हो जाए सेम टाइम ये तो चल जाते हैं लेकिन वेबसाइट जो है वो आपकी जवाब दे जाती है इसको इसको देख लेना है कि आपकी वेबसाइट जो है वो लोड हो रही है कि नहीं हो रही ठीक है तो वेबसाइट भी लोड हो रही है मेरी एड्स भी चल रही हैं उसके ऊपर ठीक है तो वेबसाइट भी लोड हो गई ये भी हो गया और आपके सामने ठीक है, है हर बस ये माइनर माइनर कुछ चीजें हैं जो मैंने स्किप की हैं चीजें आप देखिए मैंने कितनी चीजें स्किप की हैं इमेज को ऑप्टिमाइज नहीं किया तो ये हंड्रेड परसेंट हो सकता था सब कुछ तो कितनी आसानी से आप एक वेबसाइट को स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करके दे सकते हो मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको किसी चीज की जरूरत है समझने के लिए फाइवर पे काम करने के लिए तो भाइयों बैठो ना शुरू कर दो कुछ भी करना चाह रहे हो किसी ने आगे आपको हाथ पकड़ के करना सिखाना नहीं है आपने खुद हिम्मत करनी है लर्न करें आपने वीडियो को नहीं थम्स अप करना ना करें सब्सक्राइब नहीं करना किसी का चैनल ना करें किसी की बात नहीं माने लेकिन अपनी जिंदगी के लिए कुछ करना शुरू कर दें ठीक है तो इनशाला मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू जरूर ऐड करेगी तो इसी तरह मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहे अगर आपने लास्ट तक देखी है तो मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूँ क्योंकि आपने मेरे साथ बियर किया मुझे सुनना इतनी देर और मेरी वीडियोस को थम अप जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल भाई का दीदार करवा देता हूँ मैं आपको उसका ये है ठीक है तो ये सारा ऑर्गेनिक है इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूट्यूब की वीडियो की एस कैसे करनी है मैं थोड़े से हिंट आपको दिखा देता हूं अभी मेरी मैं यहां पे लिखता हूं क्रिएट क्रिएट अ पावरफुल प्रेस ठीक है अभी मैं इस वीडियो के आपको रिजल्ट दिखाने लगू जिसको मैंने एक दिन पहले किया है और ये सारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है जब मैं इसको सर्च किया ना तो देखते हैं मेरा कहीं पे मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ फर्स्ट पेज पे ठीक है हाँ फर्स्ट पेज में हम कहीं ना कहीं तो आएंगे आई थिंक मैंने कीवर्ड गलत लिखा है वीडियो ही ओपन कर लेते हैं वीडियो ओपन कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि मैंने किन किन कीवर्ड को टारगेट किया था और किस किस पे ऊपर मैं रैंक हो चुका हूँ इसके साथ आपको एक और चीज भी मैंने दिखानी है वीडियो ओपन कर ली हमने और ये मैं दिखाऊंगा आपको कि आप किस तरह जो है आसानी से इंटरनेट ही स्लो है देखे ना यूट्यूब ही नहीं चल रहा मैं मैं तो परेशान था कि शायद मेरी वेबसाइट नहीं चल रही ठीक है तो ये भी एक स्किल्स है यूट्यूब की एस करना जो कि आप फाइवर पे कर सकते हो ये वीडियो आपको मिलेगी ठीक है पहले मैं अपना ये वाला कीवर्ड ओपन करता हूँ ठीक है कि मैं इस की पे कहाँ पे रहू क्या हो गया इंटरनेट को भाई परेशान कर दिया तुमने अगर इसको सर्च करता हूँ तो देखें नंबर टू पे मैं रैंक हूँ ठीक है अब ये देखें इस के व्यूज हैं हैं मेरे कितने हैं? ये जिन जिन ने पावरफुल का कीवर्ड यूज किया है मतलब कि नंबर पे रैंक मेरी एक दिन के अंदर वो दो साल के अंदर यहाँ पे है एक साल इनको है और मैं एक दिन के अंदर यहाँ पे हूँ तो इसका कोई पर्पज है ठीक है तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितने ज्यादा कीवर्ड पे रैंक हो चुका हुआ हूं ठीक है अभी आपको दिखा देता हूँ ये भी बताऊंगा कि ये सब चीजें आप किस तरह देखते हैं और एक दिन में मुझे लगता है कि चौबीस घंटों में मुझे अगर पांच सब्सक्राइबर भी रोज मिल रहे हैं तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं इसकी है इसकी एस यू स्कोर देखिए हंड्रेड परसेंट है और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कितने टैक्स से ऊपर रहेंकू तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ठीक है अभी तीन टैग्स पे ऊपर रैंक हुआ हूँ तो आहिस्ते आते इंशाल्लाह सारे टैग्स टैक्स ऊपर रैंक हो जाऊंगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बहुत तगड़ा कंटेंट आ रहा है मैं फिर बता रहा हूँ सीन ऑन है पूरा तो सीन ऑन ही रहने दीजिएगा अभी से वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज